आप दोनों लोगों का क्योंकि आप दोनों कमेटी लोग हैं, मुझे बताइए क्या काम है विद रेस्पेक्ट टू आईसीडीएस। सर जो सेंटर्स हैं किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम है जो आंगनबाड़ी सेंटर्स चल रहे हैं और वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो ड्यूटी है, जो हमारी सर्विसेज हैं, सारे के सारे आईसीडीएस का आप हमारे सबसे एंड लाइन के ऑफिसर हैं। सीडीपीओ के नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं। एक सीडीपीओ के का क्या काम है फिर? सर यही है कि देखने के लिए किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या काम बताइए ना, काम क्या हो रहा है वो तो ठीक है लेकिन क्या काम है? सर जैसे इमुनाइजेशन है और जो है एस एन पी जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, एस एन पी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो भी देखना है किस तरह से, और जो हमारे किचन से उनको देखना है किस तरह से काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर पहुँचा के जो खाना बन रहा है एस एन पी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इमुनाइजेशन हो गया और सर जो हेल्थ एजुकेशन तो सर जो प्री क्लास एजुकेशन है और जो लेडीज के लिए हम जो सर्विसेज देते हैं उनका आपको अपना काम पता है क्या है सीडीपीओ का? ठीक सर वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे लिस्ट करके बताइए आपका क्या क्या काम है। मैंने जी आप बताइए क्या काम है इनका और आपके डिस्ट्रिक्ट का? आपका डेजिग्नेशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डेवलपमेंट ऑफिसर। बाकी जो इनकी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में ये कि जैसे आईसीडीएस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई कहीं ये कागज है इस पर अपने बारे में लिखा हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिसर क्या 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 काम है जिले में? इसमें ये मेन हमारा जो फाइनेंशियल स्कीम्स का है जो मैं देखती हूँ वहाँ पे आईसीडीएस की डायरेक्ट कंट्रोलिंग होती है और डी आईसीडीएस ना बहुत टेक्निकल भाषा हो गया है। मेरे को ये बताइए कि एक घर में अगर भूखे बच्चे बैठे हुए हैं किसकी जिम्मेदारी है? हमारे सरकार में किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं उसका रिकॉर्ड रखे? आंगनबाड़ी वर्कर है तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है कि नहीं है? सीडीपीओ का काम है कि नहीं है कि मोहल्ले में अगर किसी के घर में भूखे बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको खाना खिलवा दें? सर वो बच्चे मैं भी पता करते हैं उनका छोड़िए क्या होगा, मुझे डिपार्टमेंट बताइए सरकार कैसे चलिए मैं समझना चाहता हूँ। सीडीपीओ और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या है यहाँ पे सरकार? अगर हमें अपनी गली में घर में बैठे हुए बच्चों का नहीं पता है कि कोई हमें भूख से बैठा हुआ बच्चा मर गया तो किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ये फाइनेंस असिस्टेंस की और इन सब की? सरकार में कहीं कोई सोच के बैठ के स्कीम बनी होगी ना, ये जितने आप नाम दे रहे हो टेक्निकल इनका इंटेंट क्या है? कौन जिम्मेदार है इस बात का कि एक गली में एक परिवार में तीन बच्चे भूखे रह गए और हमारे से सरकार की नाक के नीचे बढ़ गए, देश की राजधानी में बैठे हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? आईसीडीएस के अंदर आता है कि नहीं आता है? हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है कि नहीं आता है कि दिल्ली के शहर में किसी भी घर में कोई भूखा बच्चा होगा तो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है? आप मना कर सकते हैं इस चीज को? लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मना नहीं कर सकते लेकिन उसमें ये कि किसके रिकॉर्ड में रहेगा? एक आंगनबाड़ी वर्कर है तो उसको अपने लिए आपके अंडर में आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में अंडर में आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, आपके अंडर में आते हैं, आपके अंडर में ये बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट में आंगनबाड़ी वर्कर और सीडीपीओ और सुपरवाइजर मिलकर इस बात की ट्रैकिंग रखेंगे कि किसी घर में कोई भूखा बच्चा नहीं है? सीडीपीओ का काम है कि नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनसे पूछेगा ही नहीं पूछेगा कि आपका इलाके में आपके ट्रैकिंग ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? इतना काम भी नहीं है आपके हिस्से में? किसके हिस्से में ये काम किए लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे?
कैसे चलती है सरकार। आपको अभी ये भी नहीं पता आपके इलाके में लोग कितने हैं, घर कितने हैं, कब से हैं आप यहाँ पे इलाके में, आप जिस क्षेत्र की सीढ़ी पे हैं कब से हैं? 8-9 महीने में टेक ओवर करते ये नहीं समझ में आया कि जिन लोगों की सेवा करने के लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है वो कितने लोग हैं, कितने घर हैं, इतनी भी जिज्ञासा नहीं होती जानने के लिए। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है ICDS का, क्या है आपका काम इस पूरे घटनाक्रम में मुझे बता दीजिए आपका काम क्या था। सीडीपीओ का काम क्या है कि किसी गली में कोई बच्चा लुका बैठा है उसके घर तक हम पहुंच जाए, कैसे पहुंचेंगे? आपकी जिम्मेदारी में आता है कि नहीं आता? कैसे रहेगा आप जिस इलाके में 9 महीने से सीडीपीओ हैं? सर ये अभी पता चला है कि वो बच्चे उस घर का सर्वे भी है, वहां पहले कोई बच्चा नहीं था। कौन से घर का सर्वे? जहाँ ये बच्चा है जिस घर में डेथ हुई है जी, हाँ। 4 गली छोड़ के पहले रहता था, 12 साल से वहां रहता है। सर वहाँ उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से आया है, मैं सुबह ही उस लेडी से बात करके आई हूँ जो वहाँ की ओनर है, वो ये कह रही है हमें नहीं पता कहाँ से आया है, बात करने को तैयार ही नहीं है। ये तो ये है ना अभी वाले घर के। हाँ जी मैम। उनको क्या पता होगा? आपको पता होना चाहिए कि बच्चा वहाँ दूसरे 2 गली छोड़ के रहता था। आपके आपके रडार से बाहर कैसे है? 12 साल से परिवार वहां पर रह रहा है। अगर CDPO सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी वर्कर मिलके 3 गलियों का ये रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं तो बंद कर देते हैं डिपार्टमेंट, कहां को 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कुछ और काम कर लेंगे। लास्ट सर्वे उस गली का कब हुआ था? रजिस्टर फैमिली रजिस्टर उस गली का होगा हमारे पास कोई ना कोई एज पर रिकॉर्ड। आंगनवाड़ी का काम तो सर्वे रेगुलर सर्वे करना है। उस ये फैमिली हमारे ट्रैक में कब से गायब है, पिछले 2 साल 4 साल 5 साल 1 साल 6 महीने सबके रिकॉर्ड निकालना चाहिए। इससे पहले कौन CDPO थी मुझे उनका भी नाम चाहिए, करस्पॉन्डिंग CDPO उसके नाम चाहिए कि उस इलाके में कौन कौन CDPO रहा, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। ऐसे ढंग का नहीं मिल सकती मैडम फ्री को काम करने, काम अगर सरकार ने कुछ सोच के दिया है तो वो काम तो करना पड़ेगा। मुझे शाम तक मैडम रिपोर्ट कि डिस्ट्रिक्ट मतलब आप मेरे को फुल फ्लेज जिम्मेदारी चाहिए इस आंगनवाड़ी कर्मचारी की, इस CDPO की और इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी थी। इस एड्रेस पर रहने वाले बच्चे का कहीं हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में होना चाहिए कि उनकी आर्थिक हालत खराब है या वो भुखमरी से शिकार है, इससे कम मैं काम नहीं चलेगा। आई वॉन्ट टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस। हम पूरा का पूरा इतना बड़ा डिपार्टमेंट चला रहे हैं देश की राजधानी में, हम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि हमारे किस गली में भूखे बच्चे बैठे हुए हैं, 12 साल से वो परिवार वहां पर रह रहे हैं, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं। इसमें मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए आज। आई नीड नेम्स हु वर मैं आपको काम बता रहा हूं, डिपार्टमेंट आप लिख दीजिएगा कि अगर वो काम हमारे हिस्से में है नहीं है, अगर हमारे हिस्से में वो काम है तो किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन हमारे हिस्से में मेरे हिसाब से जहां तक मेरी जानकारी है बीइंग द रोड सिटी मिनिस्टर, हमारे हिस्से में ये काम है कि दिल्ली की किसी भी गली में कोई परिवार अगर भूख से बैठा हुआ है और खासतौर से बच्चे या महिलाएं, हम खाना खिलाएंगे। That's what WCV and ICDS is for. Considering this split, we are completely fixed. Thank you.